रहमान रहीम। नाज़रीन सब देखने सुनने वालों को एस एम सादत की जानब से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे आप ऐसे हज़ारों महीने देखें, हज़ारों साल देखें, और मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। तो नाज़रीन आ जाएगी 8 रमज़ान, जैसा कि 3 रमज़ान को भी मैंने राशन तकसीम किया और 6 को भी किया, 7 को भी किया, और आज 8 है जी। तो 8 रमज़ान अल मुबारक है, तो राशन हमारे पास आ चुका है, तो अब हम तकसीम करेंगे। तो आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है, मेरे वालदैन के लिए, मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, आप दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलो जी भेजो सारे लोगों को। थोड़ा इधर हो जाना ताकि पता चल जाए कौन ले गया कौन नहीं ले गया। नाज़रीन ये देखें कि कितना गुर्बत का आलम ये है कि आपने बाहर देखे हैं कितनी अब पहले से भी ज़्यादा लोग हो गए। अब दिल तो चाहता है कि अल्लाह इतना नवाजे कि हज़ारों ट्रक रोज़ तकसीम करें, लेकिन हर शख्स की मजबूरियां होती हैं कुछ। हमारे मुल्क में इतने इतने मालदार लोग हैं कि अगर वो सारे मैदान में निकल पड़े तो यकीन करो हमारे मुल्क में किसी को रोटी की भूख ना रहे, रोटी के लिए कोई आदमी भूखा ना सोए। लेकिन अफसोस इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, सबको ख्याल करना चाहिए। ये रमज़ान का महीना ऐसा है नाज़रीन, जैसा कि मेरे रब का फरमान है कि इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। तो इसमें जितना भी हो सकता है खैरात भी करनी चाहिए, इबादत भी करनी चाहिए, लोगों के काम भी आना चाहिए। भेजो जी के बाहर 400-500 आदमी और आ चुका है, अब मेरे पास 50 बंदों का राशन और है। ये देखिए थैले लगे हुए हैं,
मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा 2, 4, 6, 8, 10 10, 20, 30, 40, 50 ये 50 बंदों का राशन है मेरे पास। अब ये आला क्वालिटी का राशन है, ये ऐसा नहीं है कि सस्ते वाला है, पंजाब आटा है इसमें और बहुत सी अच्छी सारी अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं। अब मैं 400-500 आदमी का राशन बनाने लगूंगा तो ये तो बन जाएगा 15 लाख रुपए का, और तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह तौफीक दे तो नेक्स्ट साल अल्लाह ज़िंदगी रखे आपकी भी सबकी मेरी भी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा सोचेंगे आने वाले रमज़ान में। आपने मेरे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। आजो आजो मेरी प्यार आजो आटे का थल लेकिन चुपलो आपके चुपलो है ना सारिया इको जी चीजा सारे इको बारी ते ना तुसी। आज आज बुजुर्गो आज नाती का जेल पाओ आटा उपर लो तेरा नाम लिखिया जी बाहर हाँ जी अच्छा ठीक है पुत्र पढ़ ले मेरा पुत्र नाती का जेल पाओ ना दे अली नात्रा लिखे ऐसे पहले अच्छा ठीक है चल ठीक है मैं आटा लेकर आऊंगा चल आटा उठो ले जो और उठो तो क्या चल आटे का दें इसे सारे इकट्ठे करके ला लो ए गिन किन्ने ने चले ए सारे ना ए किन्ने ने पास सारे इकट्ठे करके ने इसे खड़े कर अबू तेरा आप नहीं आया नहीं कहते अबू बीमार है नहीं मेनू नहीं बेटा शनाख्त करके तुझे ना लिखाया सी ना हां और बाबर बेटा आटा दे कॉपी नोट पा के दे दे आ जा मेरी भैन शनाख्त कार्ड और रखो मैं नहीं चाहिए शनाख्त रह जाओ बेटा आटा पा के भाजी ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਹੈ
लिखा था। अच्छा अच्छा तेरा तू अलग है पुत्र। अच्छा अच्छा थे लग जाता पुत्र गल सुनना मेरी तो छोटी उम्र ही बेवा हो गई है। अच्छा तू इत एक मिनट खड़ी रह उतो ले ला। चलो ठीक हेलो ले जाओ दो थैले आटे दे दे देना। तो नाजरीन इसके साथ ही ये देखें अब दो चार ये थैले रह गए आटे के। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाता है ये देखें। तो इसके साथ ही ये जो आठवें रमजान का व्लॉग है यहाँ पे मैं इसका इत्माम करता हूँ। जिंदगी रही तो फिर अगले रमजान में हाजिर हूँगा। अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों और आपकी आंख कभी दुख का आंसू ना हो।